हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका सीटेट का जो ऑफलाइन एग्जाम है, इसका प्री एडमिट कार्ड जो है वो जारी हो चुका है, ठीक है। बट इसमें आपको पता है कि कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार इन्होंने एक नई चीज जो है प्री एडमिट कार्ड के साथ मेंशन किया है, और वो है कि अगर आपने ये गलती की तो आपका जो रिजल्ट है उसको कैंसिल किया जा सकता है, साथ में उसको रोका भी जा सकता है, ठीक है ना, हेल्प भी किया जा सकता है। क्यों, रीज़न मैं आपको बताऊंगी। उसके पहले आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप जानते ही हैं कि आपने जो अपना एड्रेस दिया है तो सीटेट को पता ही था कि पेपर तो ऑफलाइन होना है, और आपने प्रायोरिटीज़ जो है ऑनलाइन के कंपेयर में दिया है, तो इस वजह से आपका एड्रेस के हिसाब से उन्होंने स्टेट या फिर सिटी जो है वो प्रोवाइड किया है। तो इसमें कल मेरे पास इतने सारे मैसेज आए इंस्टाग्राम पे, साथ में यूट्यूब के कमेंट्स पे, कि हमारा जहाँ पे हम रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना होम टाउन का एड्रेस दिया है बट वो पढ़ाई करने के लिए कहीं और रहते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि हम अपना परमानेंट एड्रेस अपना घर का ही देते हैं, जो हमारे आधार कार्ड पे ही होता है। और आप में से बहुत से लोग हैं जो दूर दूर हैं, तो देखिए अब इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है, क्योंकि स्टेट चाहे सिटी इसको सुधार करने के लिए सीटेट ने पहले ही बोल दिया है कि कोई ऑप्शन अब आपको नहीं मिलेगा, हमने दे दिया है आपको, आप अपना चेक कर लीजिए। तो देखिए अब आपको जाना ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका बिहार का भी एग्ज़ाम है, सीटेट का भी एग्ज़ाम है, तो मैं तो यही बोलूँगी कि सीटेट को अपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी के एग्ज़ाम की गारंटी नहीं है कि उनका रिजल्ट कब आएगा, उनका पेपर कब होगा, आप जानते ही हैं बहुत समय लगता है। बट सीटेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सीटेट में एक दो नंबर से रह जाते हैं तो आपके हाथ से DSSS भी जो है वो जाएगा, साथ में जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज आते हैं वो भी चला जाएगा। मान लो सुपर टेट भी आने वाला है, क्योंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को मंजूरी मिल चुकी है, तो इस वजह से सीटेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका बेस है। अगर आपने अपने बेस को ही मजबूत नहीं बनाया तो फिर आप आगे कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो खैर ये तो सीटेट के लिए, क्योंकि कल मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहा था कि सीटेट भी है, बीपीएससी भी है, डीएलएड भी है, तो हम क्या करें, किसकी तैयारी करें। तो ये तो आप सभी को पता होना चाहिए ना कि बिना सीटेट बिना डीएलएड के बीपीएससी ने अलाउ किया है ना, बट DSSS में तो आपका सब कुछ कंप्लीट चाहिए, तो ऐसा हो ना। बट फिर भी अगर आप एक दो नंबर से रह जाते हैं तो आप जानते हो कि एक बीपीएससी ही बस आपके लिए नहीं है, बहुत सारे दरवाजे हैं, वो सारे दरवाजे भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि सारे एग्जाम्स वाले आपको सीटेट अपीयरिंग का मौका नहीं देंगे। ये बीपीएससी ने किया है वोटिंग के लिए, या फिर जो भी है वो उनका है, ठीक है। दूसरी चीज़ देखिए, सिटी ऑफ एग्जामिनेशन आ चुकी है, आपने सभी चेक किया होगा, आराम से सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर एक लिंक दिया है, आपको बस उस पर ऐसे क्लिक कर देना है, ठीक है। स्टेट है, आपको पता ही चल चुका होगा, 18 को आपका एडमिट कार्ड आएगा। एक चीज़ और मेंशन है कि जो अभी आया है वो आपका प्री एडमिट कार्ड है, वो रियल एडमिट कार्ड नहीं है, और ये तो आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपको, क्योंकि वहाँ पे मेंशन किया है कि प्री एडमिट कार्ड आपको लेकर नहीं जाना है, आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है, ठीक है। तो प्री एडमिट कार्ड नहीं, एडमिट कार्ड जो है वो आपका 18 को आएगा, 2 दिन पहले, और बहुत अच्छी चीज़ है 2 दिन पहले, क्योंकि अब आपके घर के आसपास होगा। और सीटेट जो है ट्रांसपेरेंसी के लिए, क्योंकि पिछली बार का सीटेट का एग्ज़ाम आपने देखा होगा, एक दो कैंसिल किए गए थे नकल की वजह से, सोचो सीटेट जैसे एग्ज़ाम में भी नकल होने लगा है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान एग्ज़ाम है, बट फिर भी बच्चे इसमें नकल करते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। तो नकल को रोकने के लिए 2 दिन पहले बताया जाएगा, और अच्छी भी चीज़ है, क्योंकि पहले पता चल जाएगा तो लोग अपना पहले से ही जो है जान पहचान करके सेटिंग वगैरह करवा लेते हैं, क्योंकि इस बार का सीटेट बहुत ज़रूरी है, खास तौर पर बीपीएससी की परीक्षा के लिए, तो इस बार और भी अच्छे से होना चाहिए सीटेट का पेपर। दूसरी चीज़ है कि सबसे लास्ट में आप अपने एडमिट कार्ड के, प्री एडमिट कार्ड के सबसे लास्ट में आइएगा, वहाँ पर एक चीज़ लिखी है कि रिस्पॉन्स आंसर की एनालाइज विद अदर कैंडिडेट्स एंड समहाउ अगर उसमें कुछ आपका देखा जाएगा पैटर्न। देखिए इसका मैं बता देती हूँ, आप पेपर दे रहे हैं, आपके बगल में कोई बैठा होगा, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन में क्या होता है कि आपको सिस्टम के साथ बैठना होता है, तो उसमें आप किसी से पूछ नहीं सकते हो, बट ऑफलाइन एग्जाम में कई बार ऐसा देखा गया है कि ओमार सीट जो है ABCD का पैटर्न होता है, तो ABCD जो नकल करवाने वाले होते हैं वो 10-15 बच्चों का ग्रुप होता है, तो सारे के नंबर सेम आते हैं, आपने देखा होगा, सभी को 120 नंबर आ जाता है, सभी को 100 नंबर आ जाता है, तो ये जो धांधली है इसको रोकने के लिए, ये नकल माफियों के लिए है खास तौर पे, आप तो सीरियस स्टूडेंट हैं, आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। रिस्पॉन्स आंसर की को एनालाइज किया जाएगा, मतलब आपका ओमार सीट जो है आपके बगल वाले और पीछे वाले ऐसे कैंडिडेट्स के साथ जो है एनालाइज किया जाएगा, पैटर्न चेक किया जाएगा। पैटर्न का मतलब कि कई बार होता है कि मान लो मैंने ए भर दिया, ठीक है, और जो ऑप्शन है पहला, दूसरे मैंने बी भरा है, और ऐसे करके जो भी मेरा पैटर्न चल रहा है ABCD जो मुझे सही लग रहा है, अब बगल वाला है उसका भी सेम इतना ही पैटर्न चल रहा है, जो मैं गलती कर रही हूँ सेम वही गलती वो भी कर रहा है, जितने मेरे नंबर आ रहे हैं ये नकल माफियों को बता रही हूँ उतने उसके भी नंबर आ रहे हैं, मतलब एकदम हूबहू मैच हो रहा है।
तो इसको जो है वो एनालाइज करेंगे और अगर ऐसा कुछ पैटर्न पाया जाएगा तो उनके रिजल्ट को जो है निरस्त कर दिया जाएगा या फिर उनका रिजल्ट रोक दिया जाएगा, जो कि सही चीज़ है। क्योंकि अगर मैं मान लूँ कि मैं पढ़ाई करके गई हूँ एग्जाम देने, मेरे बगल में कोई दूसरा स्टूडेंट है, तो अगर ऐसा हो रहा है कि सारी चीज़ें जो मैं करी वो एकदम एग्जैक्ट उसके जैसा हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि जो मेरा क्वेश्चन गलत होगा उसका वो भी गलत हो जाए और हर एक क्वेश्चन के साथ ऐसा हो। इस वजह से इसको रोकने के लिए किया गया है, राइट एंड रॉन्ग आपके जितने सही हो रहे हैं बगल वाले का भी उतना सही हो रहा है, आपका जितना गलत हो रहा है बगल वाले का भी उतना ही गलत हो रहा है, सेम वही ऑप्शन उसने भी लगाया है गलत वाला जो मैंने लगाया है। तो ऐसे रिजल्ट को रोक दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा और पहचान की जाएगी इस बार। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, ऐसे ओमार सीट की स्कैनिंग होगी कि पैटर्न देखा जाएगा। अब ये मत सोचना कि मान लो कि जैसे कि सही वाले आंसर तो सभी सही कर देंगे। देखिए सीटेट का एग्ज़ाम है, आप भी जानते हैं, और अगर आप अपने मन से कर रहे हो पैडागॉजी को खास तौर पे, तो जो थिंकिंग आपकी होगी बगल वाले की भी एग्जैक्ट नहीं हो सकती है, थोड़ी बहुत मैच करेगी, बट एकदम हो किसी की थिंकिंग बगल वाले से मैच कर जाए खासतौर पर पैडागॉजी में, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि जो क्वेश्चन मेरा सही हो रहा है ज़रूरी नहीं कि बगल वाले का भी पूरा वैसा ही सही हो जाए, और अगर ऐसा हो रहा है तो ये नकल हो रहा है, फिर नकल करने वालों को पकड़ा जाएगा, मतलब जो पेपर देगा जो बच्चे हैं उनके रिजल्ट को निरस्त किया जाएगा। तो ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप मुझे बताइए कि आपको इनका अगले नेक्स्ट जी जो है कदम ये कैसा लगा है, पहली बार ऐसा होने जा रहा है और होना भी चाहिए, ताकि जो नकल करते हैं और आराम से पास हो जाते हैं सीटेट में उनके पे जो है खास तौर पे इस पे जो है कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो इस चक्कर में फंस जाते हैं पैसे के लेन देन में, पैसे देके पास होने में, और इसका कोई भी जो है ये राइट नहीं है। आप भी जानते हैं कि आप पैसे देके पास हो रहे हो तो आपको आगे भी नौकरी मिल जाएगी। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें हैं और ये ज़रूरी सूचना इसलिए भी है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से शायद जो स्टूडेंट कुछ तौर पर ये सारी चीज़ें उनके माइंड में भी आ रहा होगा, तो अब वो इस चीज़ से पीछे हटेंगे और जो नकल करवाते हैं उनका भी जो है धंधा यहाँ पर बंद हो जाएगा, जो कि होना भी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब आपको आराम से पढ़ना है, सीटेट पे खास तौर पे ध्यान देना है। अगर आप बीपीएससी ही पढ़ते रहे और सीटेट में नंबर नहीं आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है, बीपीएससी भी निकालेगी साथ में सीटेट भी आपको बाहर कर देगा, ठीक है। तो ये नहीं कि आप बीपीएससी के ही मैराथन देखे जा रहे हैं और सीटेट में आपके 80 नंबर आ रहे हैं, क्योंकि 80 से कम नहीं चलने वाला है, कम से कम 90 तो लेकर आओगी, क्योंकि 90 आ जाएगा ना, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 100 नंबर भी अगर आ रहे हैं आपके प्रीवियस क्वेश्चंस में तो बहुत अच्छा है, आप पास हो जाएंगे आराम से। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप मॉक टेस्ट के चक्कर में ना पड़े, आपको बस प्रीवियस ईयर पेपर करना है, PYQ, बस PYQ कीजिए। और मेरी बात मानिए, आप ज़्यादा मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज इसके चक्कर में मत पड़ो। अगर आपने ज़्यादा टेस्ट सीरीज भी नहीं दिया है, बट अगर आप बस PYQ कर रहे हो ना हर दिन, मैंने आपको बोला है आपको हर दिन PYQ करना है, और अगर आपके अभी फिलहाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर आपके 100 नंबर आ रहे हैं जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, तो आपका सीटेट हर हाल में निकलेगा, क्योंकि ये जो है रियल पेपर है। और अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप बस हर दिन 2 से 2.5 घंटा तो दे ही सकते हो, क्योंकि एक बात याद रखना, मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ। मैंने जो है सीटेट के एग्ज़ाम में बस PYQ पे ही फोकस किया था, इसके क्वेश्चंस करती थी, जो क्वेश्चंस गलत होते थे इसको कॉपी में नोट करके उसका रिविज़न करती थी, दैट्स इट, और पूरे दिन नहीं पढ़ती थी, 2 से 2.5 घंटे ही। तो आप भी इतना करिए, आपका सीटेट जो है बहुत अच्छा पेपर है, कोई बहुत टफ नहीं है, क्योंकि इसमें सब दिमाग का खेल है कि आप क्वेश्चन को किस हिसाब से देखते हैं, किस हिसाब से सोचते हैं, यहाँ पे रट्टा भी नहीं लगाना है। तो आपको बस पैडागोजी में पकड़ बनानी है और हर हाल में पॉजिटिव रह के क्वेश्चन देना है। बाकी मैं बताऊंगी जब थोड़ा समय आएगा कि एक इसकी ट्रिक है कि आप कैसे जो है सही क्वेश्चंस पहचान सकते हैं, मतलब कि कौन सा क्वेश्चन इसमें से आपको आ रहा है और किसमें आपको थोड़ा बहुत तुक्का लगाना है। क्योंकि कई बार क्या होगा कि सीटेट में नए क्वेश्चन आएंगे बट पैटर्न वही रहता है, तो आपको बस पैटर्न को समझना है और ज़्यादा मॉक टेस्ट के चक्कर में ना पढ़ो, ज़्यादा बुक्स के चक्कर में नहीं कि बस रटे जा रहे हो और प्रीवियस पेपर कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो PYQ करिए, 100 नंबर आ रहा है टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि 100 नंबर आ रहा है तो आपकी 95 तक तो आ ही जाएंगे। जो लोग BPSC का फॉर्म भरे हैं उनके लिए बता दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी BPSC को लेकर प्रेशर है, जो सीटेट का भी भरे हैं साथ में BPSC का भी, और चाहते हैं कि सीटेट के साथ साथ BPSC में नौकरी भी लग जाए, तो ये मेथड आपको अपनाना है, ठीक है, ओके। तो चलिए, ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना था, और जैसे कुछ भी कोई भी अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।